पढ़ाई वो है वो अनपढ़ के बराबर है, पढ़ाई वो है वो अनपढ़ के बराबर है। जो नो कॉन्फिडेंस हमने यहाँ पर मूव किया था वो स्टिल है, क्योंकि वी आर स्टिल काउंसलर और तब तक रहेंगे जब तक हमारा टेन्योर रहेगा, क्योंकि गलत तरीके से जो एक आर्डर जो है, मैं कहता हूँ कि किसी को ऑफिसर को प्रेशराइज करके या किसी दूसरे रास्ते से वो आर्डर जो इन्होंने लाया था, और हालांकि उस आर्डर में भी हम डिसक्वालीफाई का आर्डर नहीं था, वो जस्ट एक रिकमेंडेशन थी। जो लोग ऑर्डर ही नहीं देखते, जो ऑर्डर को पढ़ नहीं सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते, वो कम से कम वकील को पूछें भाई इसके इसको कैसे पढ़ना है। चीज़ तो पढ़नी चाहिए ना, लोगों को गुमराह मत करो। मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब को एक लालची आदमी है, मैं कहता हूँ कि जो सत्ता के इतने लोभी हैं कि आपने देखा कि अभी ऑर्डर जो है हमें रिसीव ही नहीं हुआ था, वो ऑर्डर या कोई गवर्नमेंट ऑर्डर निकला भी नहीं था, तो एकदम से अपने दो चार जो काउंसलर लेके वहाँ पर चेयर पर बैठ के, क्या बात सही थी। हम तब सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल जो है एक ऑर्डर आया है ट्रिब्यूनल कोर्ट से, क्योंकि जो पहली तारीख का ऑर्डर हाई कोर्ट का था जिसमें उन्होंने रिट को सारी को डिसमिस कर दिया था, और 3 तारीख को चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का फैसला आया था कि जिसमें जो है 7 काउंसलर्स को डिसक्वालीफाई किया गया था, जिसमें प्रीति खजूरिया और 6 लोग जो पैंथर से जीत कर आए थे, 7ों को डिसक्वालीफाई किया गया था। अब इनके पास हक बनता है कि ये ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर, तो ये ट्रिब्यूनल में गए और वहाँ पर जो है ये केस जो है ये परसों इसकी हियरिंग हुई इस केस की, जिसमें प्रीति खजूरिया की तरफ से भी भारद्वाज जी अपीयर हुए एडवोकेट और सुनील शेट्टी जी अपीयर हुए इन 6 की तरफ से, और उन्होंने जो है जब सारा केस सुनने के बाद जो है उसमें पार्टली सुना, क्योंकि एविडेंस तो सारे अभी वो सीओ के पास पड़े हुए हैं, तो उन्होंने इनको एक टेम्पररी एक रिलीफ दिया कि आपको जो है सस्पेंड किया जाता है जो उस डिस्क्वालिफिकेशन को अप टू 31st, लेकिन जो 31st तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से सारा रिकॉर्ड मंगवाया है, ऑडियो वीडियो सभी मंगवा रखे हैं, उसके ऊपर जो फैसला होगा। लेकिन साथ में ही लिखा है, लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, इनके पास एज काउंसलर कोई राइट नहीं है, ये किसी मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ दिया है भाई आप 31 तक बैठो, 31 को सारा सुन के वो फैसला सुनाएंगे। तो अब ये कल मैं देख रहा था मीडिया में सब जगह दे रहे थे, मुझे इतनी समझ नहीं आती कि इतनी अनपढ़ता क्यों है। ये इतने अनपढ़ से लोग हैं जिनको एक लेटर लिखना नहीं आता, ये लेटर पढ़ नहीं सकते, जो वहाँ से ऑर्डर निकले हैं हर बार ये हर ऑर्डर को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो इनको चाहिए कि अगर इनको खुद नहीं पता है कौन से किस स्कूल से पढ़े हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है, यही जो है एक किसी अपने लायर को पूछते भाई इस ऑर्डर का क्या इंटरप्रटेशन है, या किसी उधमपुर में बाकी वकीलों को पूछते भाई इसका क्या इंटरप्रटेशन है। विदाउट इंटरप्रटेशन के ये सभी मीडिया में गए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो मैं सभी आपसे अपील करता हूँ कि आप लोगों को बताएं ये गुमराह कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, और ये जो है पूरा साल 5 साल मिसलीड करते रहे, हल्ला गुल्ला करना, काम नहीं करने देना, और जो है एक प्रेसिडेंट की पावर होती है कि वो सबको जो है वो जैसा काम कराना चाहे कराएगा, लेकिन फिर भी मैंने देखते हुए शहर का काम है सभी 21 काउंसलर को जो भी पैसा आता था बराबर बांटा जाता था, हर चीज़ बराबर दी जाती थी ताकि शहर का जो है डेवलपमेंट ठीक हो, उसमें कोई कमी ना आए। डॉक्टर साहब अगर बात करें बीते कल की जो पत्रकार, देखिए बात ये है जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है वो होती है फ्रॉम द डेट यू ज्वाइन द अदर पार्टी, इन्होंने 9 अप्रैल को ज्वाइन करी आम आदमी पार्टी दिल्ली जाकर, तो ये जब डिस्क्वालिफिकेशन है इनकी 9 अप्रैल से काउंट की जाएगी, ये अभी से नहीं होगी। जब ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो फैसला 3 महीने या 6 महीने के अंदर आना चाहिए था उसको 1.25 साल लग गया, अगर यही 6 महीने पहले फैसला आया होता तो ये मेरे खिलाफ़ नो कॉन्फिडेंस ला नहीं सकते थे, जो मेंबर ही नहीं है खुद ही डिस्क्वालीफाई हैं वो मेरे खिलाफ़ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, इसलिए मेरी जो है क्योंकि हाई कोर्ट ने दिया हुआ है कि जो फैसला चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का होगा वो बाइंडिंग होगी दोनों पार्टी पर, बाइंडिंग का मतलब ये डिस्क्वालीफाई हो गए, डिस्क्वालीफाई किस डेट से हुए, ये 9 अप्रैल से हुए, तो 9 अप्रैल के बाद आया, ये आया 22 सितंबर को आया, तो इसलिए मेरे कुर्सी पर कोई वो खतरा नहीं है, मैं चेयर पर बैठा हूँ बैठा रहूँगा, और अब तो सिर्फ 1.5-2 महीने रह गए हैं, बाकी 31 तारीख को इसका फाइनल फैसला होगा कि क्या आगे ये इनकी डिस्क्वालिफिकेशन
होती है या क्या करता है वो जो नए जो ट्रिब्यूनल के में जो बैठे हुए हैं। कल तो वो भी दावा, ये सारे लोग मैं कहती हूँ पढ़ाई है वो अनपढ़ के बराबर है। जो लोग ऑर्डर ही नहीं देखते, जो ऑर्डर को पढ़ नहीं सकते, इंटरप्रेट नहीं कर सकते, वो कम से कम वकील को पूछें भाई इसके इसको कैसे पढ़ना है। चीज़ तो पढ़नी चाहिए ना, लोगों को गुमराह मत करो, चीज़ पढ़ो भाई क्या है उसमें। अब ये पढ़ते नहीं है, ऑर्डर देखते नहीं है, आपको कहते हैं हमने ऑर्डर देखा नहीं है, देखा नहीं है तो क्या बोल रहे हो। अब डेमोक्रेसी है, जो मर्जी करें, उनका हक है जाना जो मर्जी करें, बाकी हमने जो है जो रियलिटी है वो आपको बता दी है। तीनों ऑर्डर मेरे पास हाई कोर्ट का ही पड़ा हुआ, बार बार बोल रहे थे हाई कोर्ट का, जिनको ये पता नहीं है कि हमारा केस हाई कोर्ट में चल रहा है या ट्रिब्यूनल में चल रहा है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि बार बार बोल रहे हैं हाई कोर्ट में फैसला दिया, भैया ट्रिब्यूनल में केस चला है, हाई कोर्ट का कहाँ से आ गया। हाई कोर्ट तो कहती है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑर्डर को मानना है दोनों को, तो हम मान रहे हैं उसको, अब ये नहीं मान रहे तो उसको क्या कर सकते हैं। मतलब ये बतौर काउंसलर कोई भी कार्य नहीं, कोई कार्य नहीं कर सकते 31 तारीख तक, उसके बाद जो हेयरिंग होगी जो फैसला आएगा उसके बाद खुला है ये सारा।